get it. गाइस कैसे हो आप सब। सो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वर्कआउट और हेल्दी ईटिंग व्लॉग्स। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करती हूँ कि थोड़ा सा जो भी मैंने वेट लूज करा है या इंचेस लूज करे हैं वो मैंने कैसे करे हैं। अब मेरे रेगुलर व्यूअर हो इंस्टाग्राम पे तो आपने देखा होगा कि मैं काफी वर्कआउट करती रहती हूँ, काफी हेल्दी माइंडफुल ईटिंग में बिलीव करती हूँ। तो मेरी जो बॉडी है वो ऐसी है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज वेट, और स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लूज करना काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो हो रहा था फिर वो सस्टेन नहीं करता था। एक्सरसाइज के लिए वर्कआउट के लिए मैं हमेशा कंसिस्टेंट रही हूँ। तो अभी रिसेंटली इस साल के स्टार्टिंग में, जैसे कि हम सब रेजोल्यूशन लेते हैं कि कुछ ना कुछ करना है, तो इस बार मैंने सोचा था कि इस बार तो मैं जो भी हो जाए मुझे अपने इंचेस लूज करने हैं, फैट लॉस करना है। वेट लॉस चलो नहीं हो रहा बट फैट लॉस तो हो जाए। तो उसके लिए फिर मैंने हेल्दी फाई मी ज्वाइन करा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो मैं कर रही हूँ दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, तो ये मेरा पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। न्यू ईयर मैं एक दिन बैठी थी और मैंने सोचा कि कुछ तो है कि जो मैं मिसिंग है, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आई थॉट कि ठीक है शायद मैं कुछ खाने में न्यूट्रिशन वाइज कुछ सही तरीके से ना खा रही हूँ या वर्कआउट में कुछ मैं मिस कर रही हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं हेल्दी फाई मी को ज्वाइन कर ही लेती हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो आपको वहां पे बहुत सारे डाइटिशियन फिटनेस ट्रेनर वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि काफी मैंने एड वगैरह देखी थी तो काफी लोगों ने बहुत ही वेट लूज करा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप किसी का भी देखोगे तो इजिली उन्होंने 3 मंथ में 10 kg, 8-9 kg, 15 kg ऐसे लूज करा हुआ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ। सो आज है 8th of April, एक्जैक्टली 3 मंथ के बाद शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज देखने के लिए इतना टाइम लग जाता है। तो मैंने जब ज्वाइन करा तो वहां पे बहुत ईजिली है कि आपको अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे कि 1 month, 2 month, 3 month। तो 1 month में आपको दिखेगा कि हाँ ये कुछ 3000 का प्लान है, और अगर आप उसको ज्यादा लेते हो तो वो प्राइस कम हो जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए जस्ट मैंने उनकी ऐप डाउनलोड करी। आई रिमेम्बर कि काफी साल से मैं पहले करती थी उनकी ऐप वगैरह, तो आप वहां पे जाके लॉग इन कर सकते हो जो भी आप फूड वगैरह खाते हो। तो बट उसके बाद अभी रिसेंटली उन लोगों ने ये काफी पेड वगैरह कर दिया है। तो मैंने ऐसे बैठे हुए ऐप डाउनलोड कर ली और वहां पे जाके मैंने देखा कि कौन कौन से प्लान है। 1 month में मतलब 3000 का था, 2 महीने में 2500 का था, 3 महीने में अलग अलग रेट थे, और स्पेशल न्यू ईयर की वजह से वहां पे डिस्काउंट चल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं 3 महीने का लेती हूँ, और 3 महीने का मैंने ज्वाइन कर लिया। कुछ आई थिंक तब डिस्काउंट में था तो 2100 पर मंथ मुझे मिला, और उसमें मुझे एक तो फिटनेस कोच मिला और दूसरा मुझे डाइटिशियन मिले। तो जो भी सारे वहाँ पे डाइटिशियन या ट्रेनर होते हैं, फिटनेस ट्रेनर होते हैं, वो सारे सर्टिफाइड होते हैं। तो ठीक है मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। पहले मैं 1 month का ज्वाइन करने वाली थी बट 1 month में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो जस्ट अडेप्शन फेज होता है। तो चलो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट करा, डाइटिशियन और मेरे फिटनेस ट्रेनर ने। तो उन लोगों ने सारी अंडरस्टैंड करा कि आपका बॉडी टाइप क्या है, वेट कितना है, कितना आप एक्टिव हो वर्कआउट के लिए, क्या क्या खाते हो, आपकी कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, हर एक चीज डिटेल में समझी। तो उसके बाद जब वो बॉडी आपकी समझ लेते हैं कि क्या क्या टाइप है, तो वो आपको एकदम ही ऐसी डाइट नहीं देते हैं, वो आपकी प्रेफरेंसेस पूछते हैं। ऐप पे भी वहां पे आ जाएगा कि आप वेज नॉन वेज, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, कौन सा आप खाना प्रेफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डाइट प्लान होता है वो कस्टमाइज करते हैं। वर्कआउट वो समझते हैं कि आपकी बॉडी कितना वर्कआउट कर चुकी हो, आप बिगिनर हो या आप प्रो हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो सब कुछ ही प्लान करते हैं। तो ऑल्सो एक और चीज है कि जो वर्कआउट वो मुझे देते हैं, जो मुझे दिया है, वो जरूरी नहीं है कि वो आप पर भी वो सूट करे, या जो मैं डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ वो आप पर भी वो फॉलो करे। तो पहले मैं आपको ये हेल्दी फाई मी के बारे में बताऊंगी, इसके बाद मैं अपने रिजल्ट वगैरह बताऊंगी। तो उन लोगों ने मुझे 1 month के लिए डाइट प्लान दे दिया, और डाइट प्लान ऐसा था ना कि जिसके लिए आपको सपोज करो आपको इतना वेट लूज करना, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको उतनी कैलोरीज, फॉर एग्जांपल 1500 कैलोरीज देंगे आपको कंज्यूम करनी है, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर फूड देंगे, और वैसे वर्कआउट वैसे देंगे। डाइट प्लान आप देखोगे ना तो इट्स वेरी यम्मी फूड, सब कुछ हेल्दी, और मुझे लगता था कि उससे पहले मैं बल्कि कम खाती थी, डाइट में मैं ज्यादा खा रही हूँ, बट वो आपको सही पता चल जाता है पोर्शन। और आप ऐप में देखोगे तो जो भी आप खाना खा रहे हो तो एंड में आपको पता चल जाएगा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि आपने कितने कार्ब्स खाए इस डाइट में, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, तो ये फाइबर कितना है, तो ये सब आपको हर डाइट का पता चल जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद आपको हर चीज का अपने आप ही पता चलना शुरू हो जाएगा, आपको ऐप में दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आप मॉर्निंग में वर्कआउट करके आए हैं तो आप नॉन वेज खाते हो, तो वो मॉर्निंग में इस हिसाब से प्लान करेंगे स्टार्टिंग में कि आपको 2 बॉइल्ड एग वाइट्स खाने हैं, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, और जो ब्रेकफास्ट है वो भी विद इन हाफ एन आवर होना चाहिए जब आप वर्कआउट करके आते हो। उसके बाद फ्रूट स्नैक टाइम है, उसके बाद लंच टाइम है, तो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में उन लोगों ने पूरा डाइट प्लान ऐसे ही करा हुआ है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग कि आपको हंग्री नहीं रखते, आप भूखे नहीं, आप स्टार्व नहीं करते हो। नॉर्मली क्या होता है, डाइट वगैरह आपको डाइट कम दे देते हैं। ओनली थिंग जो इस डाइट में आपको लगेगा कि हाँ वो क्या है, वो है पोर्शन साइज। पोर्शन साइज की जब आप पोर्शन साइज कंट्रोल करते हो, हम नोइंगली अननोइंगली हमें पता नहीं होता कि हम कितना खा जाते हैं, बट जब इस डाइट में आते हो पोर्शन साइज का पता चल जाता है। जैसे कि आपको एक कटोरी राइस खाना है और डेढ़ कटोरी आपको दाल खानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो आप पोर्शन साइज पे जब वर्कआउट करते हो तो अपने आप उस कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हो जितना आपको खाना होता है। मेरा डाइट प्लान है वो 1300, एक दिन नेक्स्ट 1200 इस तरीके से है। तो सेम कैलोरीज नहीं है कि सेम आपको रोज ही 1300 कैलोरीज खानी है, किसी दिन ज्यादा भी हो जाता है, किसी दिन कम भी हो जाता है। और वेरी गुड थिंग इज़ कि जो मैं अपने डाइटिशियन को बताती हूँ कि हाँ आप क्या आप ये ऐड कर सकते हो, तो वो कुछ अच्छे तरीके से उसको बना के डाइट चार्ट मुझे देती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली उनको बोला कि मैं जूस ऐड करना चाहती हूँ, तो उन लोगों ने वेजिटेबल जूस की आप कौन कौन सा ले सकते हो तो वो ऐड करा। तो इसमें बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको पर्टिकुलर ये चीज़ छोड़नी है। और वीकेंड की बात रही, हम कभी कभी बाहर जाते हैं, तो दिस इज टोटली फाइन। और जो भी आप डाइट खाते हो तो आपको वो यहाँ पे उनकी ऐप में रोज लॉगिन करनी होती है। जो आपके डाइटिशियन है, आपके फिटनेस ट्रेनर है, वो पूरा वॉच करते हैं। उसके बाद वो आपको अपने कमेंट्स भी देते हैं कि हाँ आपने अच्छा खाना खाया है, या आप फाइबर और ऐड कर सकते हो। तो हर डाइट के बाद उनका मैसेज आता है, और हर वीकली उनके साथ कंसल्टेशन कॉल्स होती हैं जो भी आप मतलब बताना चाहते हो उनको। तो फिटनेस ट्रेनर ने मतलब पूरा ऐसे वर्कआउट प्लान करा हुआ है कि मॉर्निंग में आपको इतना वार्म अप करना है, उसके बाद आपको कार्डियो करना है, देन आपको मेन एक्सरसाइज करनी है, देन स्ट्रेचिंग करनी है। तो हर एक एक्सरसाइज का वो अच्छी तरह से समझाते हैं जब कंसल्टेशन कॉल होती है। तो 15-20 मिनट का कंसल्टेशन कॉल होता है। और फर्स्ट अडेप्शन फेज जो होता है, फर्स्ट मंथ जो होता है, उसमें आपको हल्का फुल्का ऐसे देते हैं कि जो आप अडेप्ट कर पाओ, जैसे कि डाइट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते। सेकेंड मंथ वो डाइट थोड़ी चेंज करते, थर्ड एवरी मंथ मतलब जो डाइट है वो चेंज होती है। और इसमें प्रॉपर आपका अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो छोले चावल कड़ी, आई मीन एवरीथिंग है। ऐसा नहीं कि आपको चावल नहीं खाने, सब कुछ खा सकते हो बट मॉडरेशन में। तो सो फार की मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मेरे इंचेस बहुत ज़्यादा लूज हुए हैं। मेरा वेट जो है मैंने 65 पे स्टार्ट करा था और उसके बाद मेरा अभी 62 है। 3 kg मैंने 3 मंथ में लूज करा है। मेरा जो वेट है वो जल्दी लूज नहीं होता है, तो 3 किलो मेरे लिए 3 महीने में लूज हो गए, वो बहुत ही बड़ी बात है। बट इंचेस वाइज आई वुड से कि मैं वेस्ट 30 से 27 पे आ गई हूँ। तो आप देख सकते हो 3 इंच कम हो गए हैं मेरी वेस्ट से ही, और थाइस पे और स्पेशली चेस्ट एरिया पे काफ़ी मेरा इंचेस काफ़ी लूज हुए हैं। तो मेरा वही है कंसर्न कि स्केल पे आप सिर्फ वेट देखते हो कि नंबर्स है वो आ रहे हैं, बट फैट लॉस सस्टेनेबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको वही चाहिए होता है कि आपके वेस्ट अराउंड जो है फैट वगैरह वो कम हो जाए, आपके थाई से फैट कम हो जाए। तो ये सब कम हुआ है। तो मैं अभी आपको क्विकली ऐप के बारे में दिखाती हूँ कि ऐप कैसी है। सो ये ऐप है, आप खोलोगे तो यहाँ पे उन्होंने मेरा डाइट प्लान बनाया हुआ है। यू कैन सी आपको आज 1100 कैलोरीज खानी है, तो और साथ में आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली है, और आपको कितने ग्लास पानी के पीने हैं, और कितने स्टेप, सब कुछ इस ऐप में आएगा। और उसके बाद डाइट प्लान में पे आपके डाइट कोच है, यहाँ पे आपके फिटनेस कोच हैं, और यहाँ पे आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वो आपको पर्सनली मैसेज आता है वो इसमें आता है। देन आप आज उसकी मेरी कंसल्टेशन कॉल है, और उसके बाद डाइट प्लान में मैं आपको दिखाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल तो मॉर्निंग में एप्पल आपको खाना है वर्कआउट से पहले, थोड़ा सा लेमन वाटर पीना है, देन सोप आलमंड खाने हैं, वेजिटेबल जूस है, तो सब कुछ अच्छा है जो कि आप मॉर्निंग में खाना है। देन पोस्ट वर्कआउट आपको एग वाइट्स खाने हैं, और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट है इडली, आई मीन ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह होना चाहिए, किंग साइज होना चाहिए, तो अच्छा है। इडली सांभर मॉर्निंग में आपको खाना है। देन मॉर्निंग स्नैक में वाटरमेलन, जो कि अभी मैं बैठी बैठी आपके साथ में अभी खा भी रही हूँ। और उसके बाद लंच में दलिया और मूंग दाल खिचड़ी है, तो आज खिचड़ी है। और द गुड थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि आपको यही खाना है, आप यहाँ पे शफल कर सकते हो, आप जो कल का कुछ प्लान है वो
कर सकते हो आज, बाई चांस चीज घर पे अवेलेबल नहीं होती है तो कुछ भी आप शफल कर सकते हो। देन इवनिंग स्नैक में छाछ है, देन साथ में बॉयल्ड मूंग स्प्राउट्स चाट है, और डिनर में एग ब्रोकली सैलेड है। तो सैलेड वगैरह मैंने उनको बोला था कि रात को मैं सैलेड खाना प्रेफर करती हूँ और या सूप प्रेफर करती हूँ, और लोग इंडियन फूड खाते हैं, रोटी वगैरह सब्जी खाते हैं, तो वो भी उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने डाइटिशियन को बता सकते हो। जो वर्कआउट प्लान है उसमें भी आप अपने ट्रेनर को बता सकते हो कि आप कितने दिन करना चाहते हो, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही कस्टमाइज करेंगे। एंड अदर थिंग इज कि आपको जिम में करना है या घर पे करना है, वो भी वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका वर्कआउट प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा वर्कआउट है, उसमें मॉर्निंग में क्रॉस ट्रेनर है, देन वर्कआउट है, उसके बाद स्ट्रेचिंग है कूल डाउन के लिए, और सैटरडे संडे मैंने ऑफ रखा है। और आई मीन वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या वर्कआउट करना है, कोई कंपल्शन नहीं होती है, ईजी गोइंग मेथड से सब कुछ ये होता है। तो पर्सनली जैसे कि 3 महीने के बाद में मैं ये शेयर कर रही हूँ, तो अभी मैं फिर से एक्सटेंड कर रही हूँ क्योंकि इट्स ऑन गोइंग जर्नी जिसको मुझे एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचना है। फिर से कि इसके साथ आप डिसिप्लिन में रहते हो, जैसे कि मुझे पता है कि मुझे इस पर लॉग इन करना है और मेरी डाइटेशन चेक करेंगी, वो बताएंगी कि उसको भी मेरे साथ उस गोल तक पहुंचना है, और वैसे ही मुझे वर्कआउट सारे लॉगिन करने हैं, तो मैं रात को बैठ के सारे ये लॉगिन करती हूँ कि जो जो मैंने वर्कआउट करा है, जो जो मैंने खाया है, और नेक्स्ट डे का मैं पूरा प्रिपेयर कर लेती हूँ कि कल को ये मेरे डाइट प्लान में है वो मैं बनाऊंगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मैं खाना बनाती हूँ वो पूरा फैमिली के लिए वही बनता है, ऐसा नहीं है कि मुझे अलग से कुछ अपने लिए बनाना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब कुछ सेम ही होता है, एक दो चीज़ों को छोड़ के, तो वो मैं बना लेती हूँ। तो रिजल्ट वाइज मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि मेरे जो इंचेस है काफ़ी लूज हो गए और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। और प्राइस हमेशा जैसे कि कोई ना कोई ऑफर रहता है तो आप वो चेक कर सकते हो। तो अभी जो मैं मेंबर हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली वो मेरा जो प्लान है वो एक्सटेंड करेंगे। सो इट्स रियली गुड क्योंकि वो हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताते हैं और आप फोकस्ड रहते हो उसके साथ में। अगर आप वैसे ही वर्कआउट कर रहे हो या डाइटिशियन ले लिया तो आप वर्कआउट कहीं ना कहीं मिस कर दोगे, डाइट में कुछ ना कुछ यू नो रेगुलर नहीं रहोगे, तो ये सबका अच्छा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए मैंने इसको ट्राई देना चाहा कि मैं इसको करती हूँ। और उन लोगों ने भी मुझे वेइंग स्केल भेजा है, हेल्दी बाय मी स्मार्ट स्केल, जिसके साथ वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके उनको इजिली पता चल जाता है पूरा बीएमआई वगैरह मेरा। तो जो मेरे कोच है, डाइट कोच और फिटनेस कोच, काफी यू नो पेशेंस है उनमें, तो मैं उनको हमेशा बताती रहती हूँ मेरा वेट कम नहीं हुआ, मेरे इस बार मेरे इंचेस लूज नहीं हुए, तो वो हमेशा बोलते हैं कि आप मंथ में एक बार ही चेक करो, बार बार आपको नहीं चेक करना है। तो मैं मंथ में एक बार ही अपने इंचेस वगैरह मेजरमेंट लेती हूँ और जो वेट है वो मैं 15 डेज के बाद चेक करती हूँ। तो छोटी छोटी चीजें जो हमें शायद पता भी नहीं होती है वो एग्जिस्ट करती है, वो सब इसके थ्रू पता चलता है। बट से इट्स अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट कि अपने आप को हम लोग इतना तो गिफ्ट कर सकते हैं। अभी आपको आइडिया हो गया होगा हेल्थ बाय मी के बारे में, तो लोग लिटरली वेट लूज करते हैं और मैंने भी करा है और मैं काफी हैप्पी हूँ। इट्स नॉट कि हाँ आप ही देखते हो तो ही काफी ऐड आती है, कि जब किसी प्रोडक्ट की काफी ज्यादा ऐड आती है हम सोचते हैं कितना क्यों आ रहे हैं, पेड होगा ये होगा, बट फॉर मी मेरे फेवर में काफी वर्क करा है इसने। तो विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल।